एसटी हसन साहब हैं। सर ये बताइए कि यूसीसी आज लागू होने वाला है उत्तराखंड में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल जो है पास हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अभी आने दिए, ड्राफ्ट आ जाए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो कुरान शरीफ ने जो हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो हम मानने को तैयार नहीं है। पर कॉमन सिविल कोड से आपको दिक्कत नहीं है? आप कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस लॉज, अडॉप्शन लॉज, मैरिज, डिवोर्स, इन सबको लेकर अगर एक कॉमन सिविल कोड हो अक्रॉस रिलीजन, इससे दिक्कत नहीं है आपको? अक्रॉस रिलीजन अगर एक हो और हर रिलीजन का उसमें ख्याल रखा गया हो, किस रिलीजन ने किसको क्या डायरेक्शन दी है, अगर वो उसका ख्याल रखा गया हो तो हमें क्या एतराज है? सर एक कॉमन लॉ होगा, अलग अलग पर्सनल लॉज वगैरह नहीं होंगे। मैं ये पूछता हूँ जरूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा, स्मूथली चल रहा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है, गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए, देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं। एक कॉमन सिविल कोड हो तो इसमें दिक्कत क्या है सर? अगर कुरान ने हमें ये हिदायत दी है, हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक दे रहे हैं, किसी ने शिकायत तो नहीं करी, वो अलग बात, हम कितना दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, उसकी लॉजिक्स अलग अलग है। तो आपको क्या परेशानी है? अगर मैं किसी की बीवी बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, या बहुत ज्यादा करप्ट है, या बहुत बीमार है, अगर उसकी पहली बीवी की इजाजत से कोई दूसरी शादी कर रहा है तो आपको क्या परेशानी है? अगर आपने देखा दूसरी शादी के लिए तो आप हाय हल्ला काट रहे हैं, लेकिन आपने बेगैरती, बेहयाई, उरियानियत को आम कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप आपने अलाउ किया। तीन तलाक गलत नहीं था सर आपको लगता? देखिए हम तीन तलाक मानने वाले नहीं, हम दूसरे सेक्स के लोग, लेकिन तीन तलाक का कानून भी तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दैट वाज हसन स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। एसटी हसन को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि यूसीसी बिल सिर्फ देश को बांटने के लिए लाया जा रहा है, इसका मकसद सिर्फ वोट बटोरना है, पोलराइजेशन करना है। उन्होंने तमाम वो बातें गिना दी जो यूसीसी बिल के खिलाफ हैं।